NH-107 बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में सैकड़ों भूमिहीन लोगों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। वार्ड पार्षद ने भूमिहीन लोगों को मदद करने का दिलाया भरोसा। पूर्णिया में बनने वाले मधुबनी से मरंगा तक NH-107 बाईपास के लिए लोगों को घर खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं भूमिहीन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलने से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसको लेकर शहर के सिपाही टोला चुनापुर रोड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों के बीच कुछ सामाजिक नेता और वार्ड पार्षद भी उपस्थित हुए। NH-107 बाईपास के लिए शहर के कुल 4 वार्डों के भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 3, 4, 5 और 7 शामिल है। भूमिहीन लोगों ने कहा कि हम लोगों का घर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक हम लोगों के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद ने कहा कि बाईपास रोड बनाने के लिए कुल 4 वार्डों के लोगों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, जिसमें लगभग 1000 लोग भूमिहीन हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार एवं जिला पदाधिकारी के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए भूमिहीन गरीबों के हित के लिए उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए पहले भी जिला पदाधिकारी को आवेदन दे दिया गया है और उनसे मिलकर इस संदर्भ में सारी जानकारी भी दे दी गई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि घर हटाने से पहले ही गरीब लोगों के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए मुआवजे या उसके रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। खासकर ये दुर्गा स्थान नहर पे जो है, यहाँ रिक्शा चालक जो काम करती है, बहुत ऐसे गरीब है जो भूमिहीन है, जिसको कि जगह नहीं है, उतना मतलब उन लोग को इनकम नहीं है जो कहीं से भी वो लोग एक कट्ठा जमीन भी खरीद सके, वो सब उसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस परिस्थिति में कई बार हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को लिखित में दिए कि इतने गरीब हमारे जनता यहाँ पे नहर दुर्गा स्थान के पास है और लिख करके दिए, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिलहाल अभी फिर हम लोग को पता चला इस लॉकडाउन कार्यक्रम में इधर ही कि जो है भूमिहीन का कोई फॉर्मेट आया है जो भर के जमा करना है। हाल में ही हम सबका लिख करके घरे घर जा करके सर्वे किए, एक घर में कितने मेंबर हैं, उनका घर का स्थिति क्या है, वीडियो प्लस फोटोग्राफी कर करके नाम लिख करके हम सबमिट किए नगर निगम, वो बोले कि हम लोग जमा करेंगे, इन लोग को कुछ मुआवजा मिलेगा, या तो पैसा मिल जाए या कुछ इन लोग को रहने के लिए कहीं बंदोबस्ती करा दिया जाए जिला पदाधिकारी द्वारा। हम लोग तो इन लोग के लिए वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद प्रतिमा सिंह हर वक्त आवाज़ उठाते रहते हैं, जब अभी उनको कॉल गया तो हम तुरंत अभी पैदल आए कि नहीं ये लोग को जो है कहीं से भी कुछ व्यवस्था हो जाए सरकार द्वारा, और देखना है कि यहाँ के जिला पदाधिकारी वो गरीब को घर बसा दे कि घर से उजाड़ दे। अभी कल देख रहे थे माइकिंग हो रहा था कि सभी का जो है घर उजाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो जब तक ये लोग का व्यवस्था नहीं हो जाता है तो तोड़ दीजिएगा तो ये लोग कहाँ जाएगा, ये लोग का तो है कोई नहीं कैसा बहुत बड़ा आदमी है जो कहीं जाकर के गुजर बसर कर ले, सब तो गरीब है, अत्यंत गरीब है, किसी कोई चौका बर्तन करती है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, इतना बेच करके तो कोई ऐसा नहीं है पूर्णिया जिला में एक कट्ठा जमीन कहीं से खरीद ले। इसके लिए सरकार सबको देखते हैं, खास करके जिला के मालिक जो जिला पदाधिकारी है वो गरीब को भी देखे ना कि थोड़ा उसके लिए भी कुछ सोचे। और हम सभी जनता जो यहाँ पे आज एक बैठक की है, जो कल अनाउंस किया गया, तो ये लोग भी डर गए ना कि हम लोग को तोड़ दिया जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो ये लोग प्रोग्राम बना रहे। कल हम यहाँ के जो नगर निगम के महापौर हैं सविता सिंह जी, उनके पास जाएंगे, उसके बाद नगर निगम के जो हमारे नगर आयुक्त हैं उनके पास जाएंगे, हम लोग अपना फरियाद सुनाएंगे कि हम लोग को आप थोड़ा सा भी कहीं शरण लेने के लिए हम लोग को जगह दीजिए, कुछ मुआवजा दिलाइए सरकार द्वारा, जो हम लोग अपना गुजर बसर कर सके। और SDO साहब से भी ये लोग मिलेंगे और हम इन लोग के साथ हैं, जहाँ भी इन लोग को जो तकलीफ होगा हम साथ हैं। और हम जिला पदाधिकारी से पर्सनली वार्ड कमिश्नर ये अपील करते हैं कि आप सर अगर तोड़ते हैं तो इन लोग को कहीं ना कहीं व्यवस्था करवाइए।